Hello students, welcome again. Today I want to give another numerical related to chapter photoelectric effect. जो प्रकाश विद्युत प्रभाव चैप्टर आपका है उससे रिलेटेड आपका ये न्यूमेरिकल है जो आपको समझा रहे हैं. आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा अलग है हट के. यू नो अबाउट द स्टॉपिक पोटेंशियल, निरोधी विभव के बारे में आपने पढ़ा है कि प्लेट को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर धातु पर से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको रोका जा सके, ठीक है ना. द नेगेटिव पोटेंशियल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग फ्रॉम द मेटल सरफेस. जो मेटल सरफेस से हमारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको जो है रोकने के लिए हाउ मच नेगेटिव पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो यू नो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, that is Ek is equal to h nu minus w. Here h nu, this is the energy of photon which incident on the metal surface, and this is the work function of metallic surface, and this is the kinetic energy of ejected electron. जो surface से electron निकल रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा है. You know विद द हेल्प ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव हमारा होता है उसके द्वारा हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकल रहे हैं उनकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो दिस ई के इज इक्वल टू ई वी नॉट. यू नो इलेक्ट्रॉन हैव द एनर्जी दैट इज काउंटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So in terms of stopping potential, this will be written as Ek is equal to EV naught. So in terms of stopping potential, your equation will be EV naught is equal to H nu minus W. And here is the question. जो question है उस question में ये कहा जा रहा है कि what will be the change in stopping potential? What will be change in stopping potential? यानी कि निरोधी विभव में क्या परिवर्तन होगा यदि जो wavelength है, if the wavelength of light, incident light changes from 4000 angstrom to 4500 angstrom, clear? यानी कि कह रहे हैं कि निरोधी विभव में क्या परिवर्तन होगा कि जो सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है, उसकी तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से बढ़ाकर के 4500 एंगस्ट्रॉम अगर कर दी जाती है तो व्हाट विल बी चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल, यू हैव टू कैलकुलेट. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इन इफ यू राइट इट ईवी नॉट इज इक्वल टू एफ सी अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू. दिस डब्ल्यू इज वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन है. दोनों स्थितियों में जो वेवलेंथ आपकी लेमडा वन है वो 4000 एंगस्ट्रॉम है और जो लेमडा टू है वो 4500 एंगस्ट्रॉम. दोनों स्थितियों में जो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है उसमें मेटल चेंज नहीं हो रही. जिस सरफेस पे लाइट पड़ रहा है उसमें सरफेस चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब कार्यफलन भी चेंज नहीं होगा यानी वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा. सो दिस विल बी सेम. सो हियर this equation will be EV naught is equal to SC upon lambda minus W. So there will be no change in it. So first wavelength. For first wavelength, पहली तरंग दैर्ध्य के लिए जब इक्वेशन आप लिखेंगे सो वॉट यू राइट हियर ई वी वन, हमने इसको नाम दे दिया है, इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा वन माइनस डब्ल्यू. क्लियर. एंड फॉर सेकेंड वेवलेंथ, फॉर सेकेंड वेवलेंथ मतलब दूसरी तरंगदैर्ध्य के लिए क्या हो जाएगा ई वी नॉट. सपोज करिए कि उसके लिए निरोधी विभव की वैल्यू कितनी है, ई वी नॉट है, दैट इज एस सी अपॉन लैम्डा टू माइनस डब्ल्यू. क्लियर. Now you have to calculate change in stopping potential. निरोधी विभव में कितना परिवर्तन हुआ. So EV naught 2 minus EV naught 1.
इक्वल टू एफ सी अपॉन लेमडा वन माइनस डब्लू सॉरी लेमडा टू माइनस एफ सी अपॉन लेमडा टू माइनस डब्लू क्लियर. दिस इज वी ओ टू माइनस वी जीरो वन ई इक्वल टू वेन यू राइट इट एच सी अपॉन लेमडा वन माइनस डब्ल्यू माइनस एच सी अपॉन लेमडा टू और प्लस डब्ल्यू. सो दिस डब्ल्यू एंड दिस डब्ल्यू विल बी कैंसिल आउट. ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे. अब क्या करना है आपको वैल्यूज प्लेस कर देनी है. तो ये वैल्यू प्लेस करेंगे हम सो वी नॉट टू माइनस वी नॉट वन इंटू ई इक्वल टू एच और सी कॉमन ले लेंगे वन अपॉन लेमडा ये टू है और ये वन है. सो हियर वन अपॉन लेमडा टू माइनस वन अपॉन लेमडा वन सो वी ओ टू माइनस वी ओ वन इंटू ई इक्वल टू एच सी अपॉन वन अपॉन 45 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा दो जीरो है इसलिए यहां पर लिख दीजिएगा 10 की पावर 8 ऊपर लिख दीजिए माइनस यहां भी 10 की पावर 8 और यहां कर दीजिए आप 40 क्लियर. नाउ सी हियर वीओ टू माइनस वी ओ वन इक्वल टू एच सी अपॉन ई एंड 10 टू पावर 8 अगेन कॉमन दैट इज 1 अपॉन 45 माइनस 1 अपॉन 40 क्लियर. एच दैट इज 6.6 10 की पावर माइनस 34 सबको पता है मेरे ख्याल से. सी 3 इंटू 10 टू पावर 8 ये भी सबको पता है आपको 10 की पावर 8 ये जो आपको मिला है और E 1.6 10 की पावर माइनस ऑफ 19 और इधर 40 माइनस 45 अपॉन 45 इंटू 40 तो ये जो वैल्यू हमारी आएगी वो स्टार्टिंग पोटेंशियल में कितना चेंजमेंट होगा नेगेटिव वैल्यू आएगी कोई फर्क नहीं है आप निगेटिव दिखाइए निगेटिव आपका जो स्टार्टिंग पोटेंशियल होगा वो क्या होगा निगेटिव ही होगा ठीक है ना. तो आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू गेट द आंसर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस टाइप क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इस तरह क्वेश्चन अलगेली पूछ सकते हैं स्टार्टिंग पोटेंशियल और नहीं तो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं. तो इनको करेंगे ध्यान से करिएगा. ओके वेरी गुड थैंक यू.